सो हेलो गाइस, कल था रविवार। कल यहाँ पर हरियाणा बोर्ड से सीएम और शिक्षा मंत्री साहब दोनों ने बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसके अंदर यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी और फ्री टैबलेट को लेकर जो अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। गाइस, आपको जान के खुशी होगी, एक बार फिर से जो है शिक्षा मंत्री साहब ने टैबलेट के बारे में फिर से एक बात कही है। तो चलिए गाइस, आपको बताते हैं कि क्या कहा है। लेकिन उससे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर सीएम साहब ने एक बड़ी बात कही है, वो दिखाता हूँ, फिर मैं आपको टैबलेट के बारे में बताऊँगा। सो गाइज, यहाँ पर देखिए, ये है कल के कार्यक्रम की कुछ एक्सक्लूसिव पिक्चर्स जो कि आप देख सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ न्यूज़। 2025 तक हरियाणा में लागू करेंगे नई शिक्षा नीति मनोहर लाल। यहाँ पर गाइज आप बड़ी अपडेट देख सकते हो, 2025 तक जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी हरियाणा में लागू कर दी जाएगी कम्प्लीटली, ठीक है। यानी कि अब भी जो है 2022 में भी, 23 में भी, 24 में भी, तब भी थोड़ा थोड़ा काम किया जाएगा, लेकिन कम्प्लीटली जो है 2025 तक लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो है स्किल डेवलपमेंट का एक विश्वविद्यालय बनेगा। यहाँ पर देखिए पूरी अपडेट। शिक्षा को विकास की धुरी मानते हुए आज हरियाणा में छात्र छात्राओं को अति उत्तम गुणवत्तायुक्त और रोजगार परक शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो सीएम साहब हैं उन्होंने कहा कि हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए जो है उत्तम यानी कि बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन, साथ ही जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन भी प्रोवाइड करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन मैं अब सीएम साहब से कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट है 10th 12th के, वो आपसे मांग कर रहे हैं कि उनके एग्जाम ऑनलाइन करवाए जाएँ, तो इस ओर भी आप थोड़ा ध्यान दें। आगे देखिए गाइज, पूरे प्रदेश में 2025 तक नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी, यानी कि जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो लागू हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, स्वच्छता अभियान है, इनको आगे बढ़ाया जाएगा। और जो चिटिंग होती है एग्जाम्स में, चाहे वो आपके जॉब वाले एग्जाम हो चाहे 10th 12th बोर्ड के एग्जाम हो, उनको कम किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री साहब हैं उन्होंने 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा फिर से की एक बार बोर्ड के अंदर। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि शिक्षा बोर्ड की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के कदम प्रशंसनीय है। इस बार शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 6ठी से 10वीं तक के इतिहास के पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने हेतु आगामी शैक्षणिक स्तर के लिए नई पुस्तकें लिखवाई गई हैं और वैदिक गणित का पाठ्यक्रम तैयार करवाया जा रहा है, जिसे शिक्षा विभाग की अनुमति के उपरांत पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। यानी कि आपका सिलेबस चेंज हो रहा है, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा देखिए, प्रदेश भर के 11वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को टैबलेट देने का निर्णय लिया है। सरकार ने 5 लाख टैबलेट खरीदने का फैसला लिया है, जो आगामी शैक्षणिक स्तर से 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों को दे दिए जाएंगे। यानी कि गाइज 5 लाख टैबलेट खरीदे जा रहे हैं क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, जो कि एक बड़ा अच्छा कदम है। लेकिन मैं अब फिर से जो सच्चाई है वो बताऊंगा, 2 साल हो गए हैं इन्हें कहते हुए, लेकिन अभी तक टैबलेट मिले नहीं हैं। लेकिन इस बार जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी उसमें कहा जा रहा था कि टैबलेट हैं वो बिल्कुल, मतलब अब खरीद के और सिर्फ बांटने हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस साल इस सेशन जो है, यानी कि जो अब सेशन आएगा 2022-23, उसमें आपको टैबलेट डेफिनेटली मिल जाएँ, ठीक है। हम तो गाइज़ यही आशा करेंगे। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और गाइज, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या फिर फ्री टैबलेट योजना के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वो जो वीडियो है सिलेबस चेंज की वो भी आपको मिल जाएगी चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।